नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। हूँ आपके साथ शिवानी पांडे। प्रधानमंत्री मोदी का आज यानी 17 सितंबर को जन्मदिन है। आज वो 70 वर्ष के हो गए हैं। इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं पीएम मोदी की जिंदगी से जुड़े कुछ फैक्ट्स। क्या आपको पता है कि पीएम मोदी को करीब से जानने और समझने का सबसे बेहतरीन जरिया एक खास किताब है। इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बताया है। इतना ही नहीं, इस किताब के छपने की कहानी भी अपने आप में बेहद रोचक है। वो कौन सी किताब है, इसे मोदी ने कब और कैसे लिखा, इसमें किस बारे में बात की गई है, क्या है इसके छपने की कहानी, इस बारे में हम आज आपको बताएंगे। ये कहानी तब की है जब प्रधानमंत्री मोदी युवा अवस्था में थे। ये कहानी उस युवा नरेंद्र मोदी की है जो लगभग हर रोज डायरी लिखा करते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो हर 6 से 8 महीने के बाद उस डायरी के लिखे पन्ने जला दिया करते थे। एक दिन मोदी के एक प्रचारक मित्र नरेंद्र भाई पंचासरा ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को समझाया और ऐसा करने से मना किया। उसके बाद में नरेंद्र मोदी की उस डायरी के बचे पन्नों ने एक किताब का रूप ले लिया। ये किताब 36 साल के नरेंद्र मोदी के विचारों का संग्रह है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि इस किताब का नाम क्या है और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसके बारे में क्या कहा है, तो ये भी हम आपको बताते हैं। इस किताब का नाम है साक्षी भाव। इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जब मैं 36 साल का था तब जगत जननी माँ के साथ मेरे संवाद का संकलन है साक्षी भाव। ये किताब पाठक को मेरे साथ जोड़ती है। पाठक को न केवल समाचार पत्रों द्वारा बल्कि मेरे शब्दों द्वारा मुझे जानने में मदद करती है। इस किताब में उस डायरी में लिखी बातें छपी हैं जिसमें मोदी माँ दुर्गा के साथ अपने संवाद लिखते थे। मोदी ने उन्हें कविता का रूप दिया। कविताओं से मोदी को खास लगाव है। इसके बारे में उनका कहना है कि जिसकी व्याख्या गद्य में नहीं की जा सकती उसे आमतौर पर कविता में व्यक्त किया जाता है। साक्षी भाव के अलावा पीएम मोदी ने कई किताबें लिखी हैं। इनमें से कुछ किताबों के नाम हम आपको बताते हैं। ज्योतिपुंज। इस किताब में पीएम मोदी के आरएसएस जीवन के समय की भावनाओं का जिक्र है। गुरु गोलवलकर से लेकर वसंत राव चिपलंकर तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रचारकों के बारे में पीएम मोदी ने लिखा है जिनसे उन्हें प्रेरणा मिली। दूसरी किताब है सोशल हार्मनी। ये किताब पीएम मोदी के बाल जीवन से लेकर अब तक की सोच के बारे में है। इसमें उन्होंने अपने तर्कों के लिए कई उदाहरण भी पेश किए हैं। तीसरी किताब है एग्जाम वॉरियर्स। पीएम मोदी की इस किताब का प्रकाशन पिछले साल ही हुआ है। इसमें उन्होंने परीक्षा की तैयारी, उस दौरान होने वाली घबराहट और तनाव को दूर भगाने के तरीके बताए हैं। ये किताब खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी का मिलनसार स्वभाव उन्हें सबसे अलग बनाता है। चाहे कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो या युवा हो, हर किसी के साथ उसी के उम्र के हिसाब से अपना स्वभाव वो बना लेते हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और इस अवसर पर आज की खबर की ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।